स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रल चक्र, जिसका कलर है हमारा ऑरेंज। अगर ये आप लिख लीजिए, इसका कलर ऑरेंज है। ये हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है। इसका एलिमेंट भी वाटर होता है, वाटर एलिमेंट है ये भी। अगर ये चक्र हमारा बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपने कमिटमेंट में हमेशा खरा उतरता है। वो व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है। बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है और बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ लविंग पर्सन होता है। वो अपने आप से बहुत प्रेम करता है। अपने आप से प्रेम करना मतलब सेल्फ लविंग होता है, सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ लविंग पर्सन होता है। और जो इंसान सेल्फ लविंग होता है, जो अपने आप से प्रेम करता है, वो दूसरों से भी प्रेम करता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ना महफिल की जान, जो हमेशा खुश रहता है, इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, और उसको देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का ये चक्रा एनर्जाइज है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा, उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो उनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों की अपने इमोशंस पे उनका पूरा कंट्रोल होता है। अगर ऐसे लोग अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में लेके चले जाएं, एक तरफ तो उनको गृहस्थ का सुख बहुत अच्छा मिलता है, उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर वो अपनी इस एनर्जी को दूसरे तरीके से ले जाए, उसको स्पिरिचुअलिटी में ले जाए, तो वैसे लोग बहुत जल्दी अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी ग्रो करते हैं। या देखिए, हर व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, या तो वो बहुत ज्यादा सेक्स में होगा या तो फिर वो स्पिरिचुअल होगा। अगर आपकी जो ये चक्रास पे अगर आपकी एनर्जी हाई है, तो या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्स करने की वो होगी, या अगर वो उसी एनर्जी को, कहते हैं ना नीचे से उस एनर्जी को ऊपर ले आए, तो फिर वो एनर्जी जो होती है वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती। उपासना मैम, कौन सा कलर बोले आप सेक्रल चक्र का? थैंक ऑरेंज। यू। और जब वो उसका, जब उसके वो चक्रा उसका एनर्जाइज होता है, जब उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्थिर पर्सनालिटी का होता है। उसके डिसीजंस बिल्कुल पक्के होते हैं, वो विचलित नहीं होता अपने डिसीजंस के अंदर। उसकी अलग ही एक रोबीली पर्सनालिटी होती है, उसकी पर्सनालिटी ही अलग होती है। लोग उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर उसके उल्टा, ये चक्र अगर उल्टा ब्लॉक हो जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि सब कुछ उल्टा हो जाता है, उसका कैरियर खराब हो जाता है। अगर ये चक्र एनर्जाइज है तो उसके दोस्त बहुत बनेंगे। वो जहां भी जाएगा ना, मैंने कहा ना महफिल की जान होता है, सबके साथ दोस्ती करेगा, सबको दोस्त बना लेगा, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर ये चक्र ब्लॉक होगा तो लोग उससे दूर भागना शुरू हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, सेल्फ लविंग के मतलब उसके अंदर कहते ना इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जो है जैसा है ठीक है, सो रहा है, उठकर चला गया, मतलब उसके अलग ही एक पर्सनैलिटी हो जाती है अगर ये चक्रा ब्लॉक हो जाए। डिसीजंस लेने की उसमें पावर नहीं होती, इनसिक्योरिटी लेवल उसका बढ़ जाता है, बहुत जल्दी वो थक जाता है, लो एनर्जी होती है, किडनी में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन उसको प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ब्लैडर में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, लॉन्ग इंटेस्टाइन में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, आते जो हो जाते हैं कई बार खराब। ये सब हमारे सैक्रल चक्र के खराब होने की वजह से होते हैं। इसका कलर ऑरेंज है और इसका बीज मंत्र वाम और इसका एलिमेंट वाटर है। इसके लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ऑरेंज कपड़े पहने, सेल्फ लविंग हो, अपने आप से प्रेम करें। जब आपको अपने आप से प्यार होगा तो आपको दूसरों से भी प्यार होना शुरू हो जाएगा। पेड़ पौधों नेचुरल चीजों से प्यार करें,
जो भी कोई हीलर्स होता है या जो भी हीलिंग मोडालिटी सीखता है उसको हमेशा नेचुरल चीजों से बहुत प्यार करना चाहिए, पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। अगर आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो अगर आप पहले अपनी कुंडली को दिखाइए, अगर आपकी कुंडली में शनि की जगह सही है, तो आप इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप सन को जल चढ़ा सकते हैं, सन से पावर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि का नहीं है, अगर शनि का प्रभाव है, तो फिर उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि शनि और जो सन सन है, दोनों होते तो बाप बेटे हैं ना, लेकिन सन को शनि से प्रॉब्लम ही होती है, पर शनि को सन से प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो दोनों विरोधी उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए ये इसको पहले चेक करवाइए, फिर सूर्य को जल। वैसे सब लोग बोलते हैं कि एज अ हीलर हमको सन को जल देना चाहिए, लेकिन जो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि ऐसे हमें नहीं जल देना, पहले हमको अपनी उसमें चेक करना चाहिए। देखिए एक लेवल पे आके तो हमारे को ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अभी तो हम बिगनर है ना, अभी तो हम फर्स्ट फर्स्ट स्टेप चल रहे हैं, तो अभी तो हमें हर चीज में सोच समझ के चलना पड़ेगा। जब हम एक लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, जब कहते ना आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाते हैं, फिर हमको ग्रह नक्षत्र हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। ओके।